नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और निर्दिष्टोर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान पाकिस्तान के पालतू ज़ियादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा रहे हैं। खासकर दक्षिण कश्मीर के शोपियो जिले में तो आतंकियों की शामत आई हुई है। इसी बीच शोपियो जिले में सेना के जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए शनिवार सुबह ही 4 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियों के अमाशपोरा इलाके में हुई इस मुठभेड़ को सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को मिले इनपुट के बाद शुरू किया गया था, तो वे पिछले 24 घंटों के भीतर घाटी में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों के जवानों ने कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया था। इन 3 आतंकवादियों में 7 लाख का इनामी जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर वलीद भी शामिल था। वलीद आईडी विशेषज्ञ माना जाता था, वो पाकिस्तान का था और करीब 1.5 साल से सक्रिय था। पिछले 4 सर्च ऑपरेशन में वो बच निकला था। दरअसल आज सुबह के वक्त शुरू हुए इस ऑपरेशन में करीब 2 घंटे की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से शोपियों में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इस सूचना के बाद सुबह के वक्त सेना के अमाशीपोरा इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया। सेना के इस ऑपरेशन के बीच आतंकियों ने फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। इस दौरान सेना ने काउंटर ऑपरेशन करते हुए इनकी घेराबंदी की। मुठभेड़ शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन वो नहीं माने और फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी इन आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। इस इलाके में अब भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि घाटी में आतंकियों को लगातार ढेर किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस साल करीब 137 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 40 विदेशी आतंकवादी सहित 200 के करीब आतंकवादी अभी भी कश्मीर में सक्रिय हैं। इस महीने ही 8 एनकाउंटर में अब तक 18 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, यानी कि साफे के इमरान खान के भाड़े के आतंकी अब जल्द ही जम्मू कश्मीर से मुक्त होने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।